नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल। तो साथियों, एक और अपडेट लेके आए हैं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे चिकित्सा विभाग के द्वारा, यूपी यूएमएस के द्वारा जो नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम हुआ था 30 तारीख को, उसकी अपडेट देने वाले हैं। क्या कुछ अपडेट आई है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे साथियों। यूपी यूएमएस के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, क्या कुछ अपडेट है उस नोटिस में हम आपको बताएंगे साथियों। एग्जाम 30 तारीख को हो गया है यूपी यूएमएस का, और इसका पेपर था साथियों पैटर्न पर था, और एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन थे। और इस बार साथियों पैटर्न भी थोड़ा चेंज हो गया था, और सीबीटी बेस्ड ये एग्जाम हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड ये एग्जाम हुआ था, और पैटर्न भी इसका थोड़ा चेंज हो गया था। और इसमें हर क्वेश्चन का समय निर्धारित किया था, जैसे नॉर्सेट का एग्जाम का पैटर्न है उसी के आधार पर इस बार यूपी यूएमएस के द्वारा भी एग्जाम का पैटर्न है वो चेंज कर दिया गया है। तो साथियों, हमने एग्जिट पोल भी करवाया था यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम के माध्यम से, तो 69% बच्चों ने मीडियम लेवल बताया पेपर का, तो उसकी अपडेट भी हम आपको देंगे। और क्या कट ऑफ रहेगी, कट ऑफ के बारे में आपके लिए जल्दी वीडियो लेके आने वाले हैं। तो साथियों, आज जो ये नोटिस आया, ये रिजल्ट को लेकर अपडेट आई है कि रिजल्ट कब तक आएगा। आपको पता है कि पूरे भारत में आचार संहिता लगी हुई है, क्योंकि आपको पता है कि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। तो अब रिजल्ट को लेकर ये नोटिस जारी किया है उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के द्वारा। 535 पदों पर ये भर्ती होने वाली है नर्सिंग ऑफिसर की। और साथियों, 30 मार्च की अपडेट है, और ये एडवर्टाइज नंबर है, सूचना विज्ञापन संख्या, ये एडवर्टाइज नंबर है 31/1/2024 के माध्यम से कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा दिनांक 30/3/2024 को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की थी। उक्त परीक्षा का परिणाम तथा नियुक्ति की प्रक्रिया आदर्श आचार संहिता हटने के उपरांत ही की जाएगी। तो साथियों, अभी आदर्श आचार संहिता लागू हो रखी है, इसलिए जो परिणाम है यूपी यूएमएस नर्सिंग ऑफिसर का, और परिणाम के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, नियुक्ति की प्रक्रिया होती है, वो सारी सारी प्रोसेस अब आदर्श आचार संहिता हटने के बाद ही पूरी हो पाएगी। तो साथियों, आपको थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जून में प्रधानमंत्री का चुनाव हो जाएगा, उसी के बाद आगे की प्रोसेस चालू होगी। तो अप्रैल मई तक आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू हो रखी है इसलिए। और अगर चुनाव आयोग इसकी परमिशन दे देता है तो आपका रिजल्ट बीच में भी जारी हो सकता है, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया अब आदर्श आचार संहिता के बाद ही होगी। और परिणाम को लेकर अगर कोई अपडेट आती है चुनाव आयोग के द्वारा, अगर परमिशन मिल जाती है और कोई अपडेट आती है, तो सबसे पहले हम आपको अपने चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हर भर्ती इन्फॉर्मेशन, ऑल इंडिया भर्ती की अपडेट हम समय समय पर अपने चैनल पर लाते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन है उसको ऑल कर दीजिए, जैसे ही कोई अपडेट डाले तो सबसे पहले आपको मिल सके। साथियों, ये प्रेस नोट जारी हुआ है जो हमने आपके साथ शेयर किया है, हमें जो भी अपडेट आती है, इन्फॉर्मेशन आती है एग्जाम संबंधित, तो समय समय पर हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर जरूर करें, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें और इन्फॉर्मेशन पा सकें। तो साथियों, कटऑफ क्या रहेगी, उसके ऊपर भी हम आपके लिए जल्दी वीडियो लेके आने वाले हैं। तो साथियों, ये प्रेस नोट उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस के द्वारा जारी किया। तो मिलते हैं इसी प्यारे सी नेक्स्ट अपडेट, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।